आप सबको स्वागत है। आज हम 8 जून के शिरोवेदन में पहुंचे हैं। देखा जाए तो हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन पहुंच जाते हैं और हम कहते हैं कि कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन मुख से निकल गया, सुनना नहीं चाहते थे लेकिन सुन लिया, देखना नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, है ना, और इच्छा नहीं होते हुए भी खा लिया। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि जो मन है और ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। और इसी चीज के बारे में परमात्मा आज हमें सिखाते हैं कि जैसे तुम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों मतलब कि मन, बुद्धि और संस्कारों को बार बार ट्रेन करते हो हर दिन। जैसे कि फौज में क्या होता है, सामने जवानों को लेके आते हैं, बोलते हैं चलो अपना पट्टी परेड करो, अपना मार्च पास करो, राइफल उठाओ, गोली चलाओ, प्रैक्टिस करो। उसी तरीके से हर दिन सुबह उठ करके मन, बुद्धि, संस्कार, आज तुम्हारे क्या चल रहा है मन में, तुम्हारी बुद्धि, तुम क्या देख रहे, क्या हो आज, किसको देख रहे हो, कहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई है, किस व्यक्ति पर, किस चीज पर, किस धन दौलत पर अटकी हुई है, उधर से बुद्धि को हटाओ और बाबा को याद करो। और उसी तरीके से संस्कार बनाने ये चीज करने के, क्योंकि अंत मति सो गति, अंत में परमात्मा याद आया तो फिर मुक्ति आसानी से होगी, नहीं तो और लोग याद आएंगे, चीजें याद आएंगी और आत्मा को निकलना मुश्किल होगा शरीर से। तो प्रैक्टिस ये सारी है। तो परमात्मा आज कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले। सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प और जो हम विजुलाइज करते हैं बुद्धि में बार बार, जहां भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और हैबिट्स, आदतें, ये 3 है, द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों, स्थूल कर्मेंद्रियों हाथ पैर ये सब कुछ को नियम, संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव, स्व के ऊपर राज्य करने वाले। सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो, है ना, कि मन क्या क्या सोच रहता है, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है, क्या क्या हमारे अंदर डर है, क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं, उस कारण से हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, पहले इनको चेक करो। जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, जो विशेष मन, बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला नहीं मेरे बारे में, मेरे को पूछा नहीं, तो मन, बुद्धि भटकनी शुरू कर दे और उस व्यक्ति को ही याद करते रहे, उसको कोसते रहे, या जीवन भर किसी ने हमारे साथ में बुरा किया हो तो वही मन, बुद्धि बार बार वहीं जाए और अंदर अंदर बातें करते रहे, इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उस समय ये बोलना चाहिए था, मैंने उस समय ये कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा मैंने उस समय, या हम और को ब्लेम करते रहे आजू बाजू। ये सारी चीजें करना मतलब मन, बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें अपनी डोर अपने हाथ में ना लेकर के परमात्मा के हाथ में डालना है। उसका मतलब ये अपने आप को परमात्मा के ज्ञान के अनुसार समझाते रहना बार बार, ये मत सोचो, ये सोचना ठीक नहीं है, इससे आपकी एनर्जी खत्म हो रही, बाबा को याद करो, बाबा से प्रेम, सुख, शांति लो। ठीक है, मनुष्य ने नहीं दिया कोई बात नहीं है, इंसानों ने नहीं दिया कोई बात नहीं है, लेकिन अब परमात्मा से तो लो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। ऐसे अपने साथ में बातें करना है ताकि मन, बुद्धि हमारा साथी बन जाए और हमारे संस्कार बन जाए उसके अपना साथी बनाने के और परमात्मा को याद रखने के। फिर परमात्मा कहते हैं ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम से चला सकती हैं। जैसे अभी इस समय में आत्मा बैठ करके शरीर को बिठा करके इस कर्मेंद्रिय के द्वारा मैं आत्मा आपके साथ में ज्ञान शेयर कर रही हूँ, आत्मा या कर रहा हूँ आत्मा, आंखों के द्वारा मैं इस कैमरा को सामने है उसको देख रहा हूँ मैं आत्मा, और मेरा अभी मन, बुद्धि इधर उधर जहां भी अगर भटकता है उसको फटाफट एकाग्र करना, केंद्रित करना। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं, मतलब जिनका मन और बुद्धि साथ साथ चलते हैं, मन ने कुछ सोचा, बुद्धि ने कुछ और देखा, ये नहीं, मन ने अभी सोचा चलो खाना खाना है और बुद्धि देख रही है अरे उसको मिलना था, है ना, वो व्यक्ति कहाँ गया, तो मन कुछ और कर रहा है, सोच रहा है और बुद्धि कुछ और कर रही है। इस चीज को हमें एक कर देना है कि मन अभी खाने के बारे में अगर सोचता है सिर्फ खाने के बारे में ही सोचना है, समय मन अभी बिजनेस के बारे में सोच रहा है तो बिजनेस के बारे में ही बुद्धि को सोचना चाहिए, उसी के चित्र बनाने चाहिए बुद्धि को, बुद्धि चित्र बनाती है उसी के, विजुलाइजेशन पावर है ना। अगर कोई परमात्मा पिता को याद कर रहा है तो परमात्मा पिता का ही चित्र बनना चाहिए, उन्हीं से बात हो रही है, बीच बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई साथी आ रहा है, कोई संबंधी आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, कार्य याद आ रहा है, पैसा याद आ रहा है, ये सारी चीजों का चित्र नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब बुद्धि कुछ और दिख रही है और मन कुछ और संकल्प कर रहा है, मतलब मन और बुद्धि के बीच में तालमेल ही नहीं है। तो मन को मनाओ कि हे बुद्धि जो मैं सोच रही हूँ अभी उसका चित्र बनाओ, तुम जल्दी बाबा के बारे में सोच रही हूँ चित्र बनाओ। तो ऐसे अपने साथ बातें करना जरूरी है। परमा कहते हैं स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। जो इंसान अपने आप को
मतलब मन बुद्धि संस्कार को, अपने मन बुद्धि संस्कार के संकल्पों को एक जैसा, मन जो सोचे बुद्धि वही दिखे और हैबिट्स के अनुसार वही कार्य करे, अगर ये हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो हमें लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है, मन कुछ सोच रहा होता है, बुद्धि कुछ दिख रही होती है, मूड कुछ और कर रहा होता है करने का, और लोग कन्फ्यूज होते हैं, भाई इस इंसान से थोड़ा दूर रहो, इसका मन चंचल है, इसका कभी भी मूड कुछ भी ऑफ हो जाता है इसका। तो ये चीज़ ना हो हमारे साथ में, क्योंकि रूलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो हम और को कैसे गाइड करेंगे, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे बिजनेस में हमारे जो सपोर्टेंट्स हों या पार्टनर्स हों, और या अगर आप किसी लीडरशिप उसमें हैं, पोस्ट में हैं, तो आपके जो सपोर्टनेट्स हों, आपके साथी हों, जो टीम वर्क हो, वो कैसे सुनेगी आपकी बात अगर आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार आपका ही नहीं सुनते हैं आत्मा। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और इस प्रैक्टिस को हर दिन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मुरली सुनना, सिर्फ वरदान सुनने से नहीं होगा। ओम शांति इसके साथ।